नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ महाड़ी में और कोटड़ा तहसील की 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट है, यानी कि राजस्थान में कला वर्ग की 12वीं का रिजल्ट आ गया था, जिसके अंतर्गत कोटड़ा तहसील की आदिवासी सूचियों में जो नाम एक था ज्योति बुमरिया का, जिससे मैं 10वीं कक्षा में जब वो थी तब भी मुलाकात करवाई थी, और आज दोबारा हम 12वीं कक्षा में भी उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न बनाया है और कोटड़ा तहसील की आदिवासी सूचियों में वे दूसरे क्रम पर है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ में जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है और आगे वे क्या करना चाहते हैं। तो नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हो? बहुत अच्छे। अच्छा है। तो एग्ज़ाम हो गए थे, उसके बाद कैसा लग रहा था? रिजल्ट आने की कोई चिंता हो रही थी या नहीं? पेपर कैसे गए थे? अच्छे गए थे। और कितने परसेंटेज बने आपके? 73.3। तो जैसा कि आपकी आपके साथ और भी आपकी सहेलियां पढ़ती होगी, क्योंकि उसमें से किसी कोमल के साथ ज़्यादा कितने बने हैं? कोमल के 74 है, 1% आपसे ज़्यादा है। हाँ। और इसीलिए वो पहले नंबर पर और आप सेकंड नंबर। तो आप 10वीं में जब थे तब पूरी कोटड़ा में पहले नंबर पे आए थे लड़कियों की सूची में और आदिवासी समाज की सूची में, और अभी आप दूसरे नंबर पे आए हैं, कैसा लग रहा है? मतलब दुख हो रहा है या फिर कुछ नहीं लग रहा है? नहीं हो रहा है दुख तो नहीं हो रहा है। क्यों दुख नहीं हो रहा है? आप नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं, जैसे कि कोमल ज़्यादा पढ़ाई करते थे, आप पढ़ाई ज़्यादा करते थे? ज्यादा करती होगी जब भी आई। तो आप लोग साथ में रहते थे या अलग? ना, अलग 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 दूसरे हॉस्टल्स में थे, लेकिन स्कूल तो एक ही थे ना? हाँ। ठीक है। तो आपको अभी कोमल भी सुन रही होगी, कोमल को कुछ कहना चाहते हैं? कोमल अभी आपको सुन रही होगी, उसको बधाई देना चाहते हैं? यस। क्या बोलेंगे उसको? बधाई हो। तो कोमल अभी अगर आप सुन रहे हैं ज्योति को, तो ज्योति ने भी आपको बधाई दी है क्योंकि एक नंबर आप उससे आगे गए हैं। और ज्योति, जैसा कि आपकी 12वीं तो अभी कंप्लीट हो चुकी है, अच्छे परसेंटेज भी बने हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहते हो? तो टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ पढ़ाई करनी पड़ती होगी, लेकिन क्या पढ़ाई, ऐसा कुछ पता है आपको? जैसे आप अभी आपने बताया था कि BSTC की आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो BSTC की पढ़ाई करके टीचर बन सकते हैं क्या? तो बाद में BSTC करनी पड़ेगी ना, नंबर आ जाएगा तो। अच्छा, तो BSTC करने से टीचर बनते हैं? नहीं, एग्जाम देनी पड़ेगी। हाँ, तो BSTC का एग्जाम देने के बाद टीचर बन सकते हैं अगर नंबर आ गया। अच्छा, ठीक है। और बहुत सारे माता पिता अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे माता पिता मुझे पढ़ा के इतना आगे बढ़ा रहे, उसी प्रकार वो भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाए। थैंक यू। और आपको सपोर्ट कौन करता था पढ़ाई में? घर तो, आप हॉस्टल में रहते थे, घर पे आते थे तो मम्मी काम वगैरह करवाती थी या नहीं करवाती थी? काम पढ़ाई के लिए ही सपोर्ट करती। फिर घर का काम कौन करता? मम्मी करती थी। मम्मी करती थी, चलो अच्छी बात है। और पापा कैसे सपोर्ट करते थे? पापा भी करते थे सपोर्ट पढ़ाई के लिए, हॉस्टल वाले में